नमस्कार, मैं महिपाल शर्मा, कोऑर्डिनेटर मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस, विज्ञान का जंतर मंतर। आज अपने रूट प्लान के तहत पहुंचे हैं हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज अमीन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा में पड़ता है। आज बच्चों को साइंस के विषय में काफ़ी प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाए गए, और मेरे साथ 9th और 10th क्लास के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन बच्चों से जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में कि इनको यह प्रोग्राम कैसा लगा और इन्होंने आज क्या क्या सीखा। जी, क्या बताएंगे आप? सर, हमें ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, और जो हमारे यहाँ सर आए हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट दिखाए हमें करके। तो कैसा लगा आपको साइंस आपने प्रैक्टिकल करके देखी? सर, बहुत ही अच्छा लगा हमें साइंस। साइंस आसान लगती है, मुश्किल लगती है प्रैक्टिकल देखने के बाद? सर, प्रैक्टिकल देखने के बाद आसान लगती है साइंस। क्या सीखा आपने, कुछ कुछ बताएंगे? यस सर, माइक्रोस्कोप के और पील, ऑनियन पील के बारे में सर सीखा। आपने क्या सीखा बेटा? हमने मैग्नेट और उसके टाइप्स के बारे में सीखा, लॉ ऑफ मोशन और फिजिक्स के, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स। तो अब कैसा लगा आपको साइंस प्रैक्टिकल देखने के बाद? आपको साइंस आसान लग रही है या पहले थ्योरी से आसान लगती थी? पहले भी आसान लगती थी और अब और भी आसान लगती है। अब और भी आसान लगती है आपको? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि जो ये मोबाइल साइंस वैन है, इस तरह की कितनी दफ़ा स्कूल में आए, महीने में, दो महीने में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें साइंस को? हर महीने में एक बार तो यहाँ पे आना चाहिए ताकि हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपका नाम और क्लास? नाम शालिनी और क्लास 9A। आपका नाम और क्लास? सर, क्लास 9A और नेम भारत। नेम भारत। देखिए, भारत ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा आज इस प्रोग्राम के बाद। स्कूल के लेक्चरर मैडम प्रवीण कुमारी जी समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लेक्चरर इन बायो हैं इस स्कूल के अंदर। मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि इनका यह प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि मैडम ने पूरा प्रोग्राम ये बैठकर देखा। जी मैडम, क्या बताना चाहेंगे आप? सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, सीखा, साथ में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम टू टाइम ऐसे स्कूल में आप विजिट कीजिए, ताकि बच्चों की नॉलेज अपडेट होती रहे और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। जी, और तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा बायोलॉजी का और थोड़ा सा जी, क्योंकि मैडम बायोलॉजी से हैं बेसिकली, तो मैडम चाह रहे हैं कि बायोलॉजी का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड करें। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बायोलॉजी का भी नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में आए तो काफ़ी कुछ मटेरियल साथ अपने लेकर आएँ। धन्यवाद।